कृष्ण नपुंसक तत्व जो रात में जाकर के बैनर पोस्टर फाड़ने का काम करते हैं, उनके जवाब नौजवान लोग देंगे ना, किसी की औकात है सामने आके पोस्टर फाड़ देगा? छुप छुप के लोग जो है सो पोस्टर वोस्टर फाड़ रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि सामने औकात है तो फाड़ो, 85 kg मेरा वजन है, नीचे लटा के कूद जाएंगे 206 हड्डी टूट जाएगा। यही सिखाया कि सभी धर्मों की इज्जत करेंगे, लेकिन अगर बात आएगी सनातनी पे तो फिर अपनी जान पे खेलना हमें आता है अच्छी तरीके से, और सर काट के चरण में भी रखने आता है। अगर कोई विरोध कर रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें, हमारे भी जो अपने जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ है। लेकिन कुछ एक लोग धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। कहा गया है कि रावण रथी भी रथ रोग भी रहा, भगवान राम नंगे पांव जमीन पर थे और रावण रथ पर था, मुकाबला राम ने किया कि नहीं किया? धर्मी लोग हैं, मानसिक विचित्र लोग हैं, लालू परिवार को उनका नोटिस लेता ही नहीं है। बजरंग बली जो रावण की लंका को जलाए थे, ये रावण रूपी महागठबंधन की सरकार है, उसको जलाकर राख कर देंगे। अब देखिए हुआ यह कि बाबा बागेश्वर को धमकी देने वाले तेज प्रताप के खिलाफ भी, तेज प्रताप की सेना के खिलाफ भी, जो उन्होंने कथित आर्मी खड़ी करी है बाबा के खिलाफ, बिहार में एक दूसरी सेना खड़ी हो गई है बाबा के पक्ष में, नाम है सवर्ण सेना, जिसने बाबा बागेश्वर का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर बिहार में बड़ा बवाल है। देखिए आप, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। बिहार में बाबा पर महाभारत, तेज प्रताप के खिलाफ रण में स्वर्ण सेना। छुप छुप के लोग जो है सो पोस्टर वोस्टर फाड़ रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि सामने औकात है तो फाड़ो, 85 kg मेरा वजन है, नीचे लटा के कूद जाएंगे 206 हड्डी टूट जाएगा। जो बाबा को धमकाएगा उसे पीस दिया जाएगा। यही सिखाया कि सभी धर्मों की इज्जत करेंगे, लेकिन अगर बात आएगी सनातनी पे तो फिर अपनी जान पे खेलना हमें आता है अच्छी तरीके से, और सर काट के चरण में भी रखने आता है। बिहार में बाबा का दरबार बनकर तैयार है, लेकिन दरबार से पहले सियासी दंगल शुरू हो चुका है। तेज प्रताप ने अपनी सेना का ट्रेलर दिखा दिया है। ये तेज की स्पेशल टीम है जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के सामने विरोध की दीवार बनकर खड़ी है। बाबा भी आए नहीं है, लेकिन तेज प्रताप की तैयारी पूरी है। तेज प्रताप पटना में अपने आवास पर लड़कों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। संगठन का नाम DSS दिया गया है। DSS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DSS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं दूसरी तरफ बाबा के समर्थन में सैकड़ों सनातनी भक्तों ने भी एक सेना बना ली है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गले में भगवा गमछा डाले और माथे पर तिलक लगाए ये छोटी आर्मी का नाम है स्वर्ण सेना। स्वर्ण सेना ने तेज प्रताप को सीधे चेतावनी दी है। देखिए, जवाब किसी को नहीं देना, हमको अपना कथा, जो कथा हो रहा है उसको शांतिपूर्वक सफल कराना है। दूसरा बात, एक दो क्लिप आप लोग देख रहे होंगे कि छुप छुप के लोग जो है सो पोस्टर वोस्टर फाड़ रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि सामने औकात है तो फाड़ो, 85 kg मेरा वजन है, नीचे लटा के कूद जाएंगे 206 हड्डी टूट जाएगा। आज तक जितना भीड़ भी एयरपोर्ट पर नहीं लगा होगा, उससे कई गुना भीड़ लगेगा एयरपोर्ट पे, और देख के उसमें दुबक जाएंगे कहीं पे, फिर से हरियर गमछा लेके आएंगे तो फिर से भगवा गमछा लेके टहले लगेंगे बीच में। और जो DSS वाला सब परेड कर रहा है, वो सब वहाँ पानी बेचेगा मेला, उसका भी कुछ कमाई धमाई हो जाएगा। कि हम सनातनी हैं, हम सभी की रक्षा करने, हमारे भगवान राम जी ने सिखाया है कि सभी धर्म का हम इज्जत करें, तो आज भी सभी धर्म की इज्जत की जा रही है, और पूरे बिहार में हमेशा हम लोगों ने यही सिखाया है कि सभी धर्मों की इज्जत करेंगे, लेकिन अगर बात आएगी सनातनी पे तो फिर अपनी जान पे खेलना हमें आता है अच्छी तरीके से, और सर काट के चरण में भी रखने आता है। ये विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लालू के लाल ने बाबा बागेश्वर को पहले भी धमकी दी थी कि, और उनके विरोध की बात कही थी। तेज प्रताप ने तो
धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बता दिया था। इसके बाद से ही बाबा पर संग्राम छिड़ गया। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में किसी की हिम्मत नहीं सरकार की कि धर्म गुरु को कोई पटना की धरती पर उतरने से बागेश्वर महाराज को रोक ले चाहे किसी धर्म। बागेश्वर सरकार के बिहार में दरबार पर घमासान मचा है। 13 मई को बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं, लेकिन बाबा के विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा है। फिर भी बाबा प्यार से लोगों का दिल जीतने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी के फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं। ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाबा सनातन की बात करते हैं। ऐसे में बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली पार्टियां आरजेडी और जेडीयू के लिए बाबा का विरोध स्वाभाविक है। जैसे जैसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे बाबा के विरोधियों में मातम छाता जा रहा है। बावजूद इसके बाबा बिहार आएंगे, पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक दरबार लगाएंगे।